लड़े और बहुत दमदार तरीके से चुनाव लड़े और झारखंड के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 27% मतलब वोट लेके आया है। 3.5 लाख वोट लेके हम अकेले हैं जिस लोकसभा चुनाव से हम लड़े थे और कुल मिलाकर हम लोग 8 प्रत्याशी दिए थे और लगभग हमारे 6 प्रत्याशी तीसरे पायदान पर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मैं भारत की तो नहीं कह सकता लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कह सकता हूं कि झारखंड बदलाव चाहती है और नो डाउट बदलाव होना चाहिए क्योंकि झारखंड जिस पृष्ठभूमि से आती है झारखंड उसके नाम में ही छुपा है। झाड़ यानी जंगल होता है, खंड यानी जमीन होता है और आज हमारा दोनों चीज संकट में है। जब जंगल की बात करने वाला कोई नहीं है, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं आज हसदेव जंगल की क्या कहानी है। आज दिल्ली का टेम्परेचर हम लोग 45 पा रहे हैं 46 पा रहे हैं, बिल्कुल अपने मतलब अपोजिट पा रहे हैं झारखंड का वातावरण से। जब दिल्ली में हम लोग कदम रखे तो बिल्कुल असहनीय लगा और हम लोग को लगा भी नहीं कि 2 मिनट यहाँ ठहर पाएंगे। तो कह रहे कि जो झारखंड का इशू है उसके नाम में छुपा है और लगातार उन इशुओं पर हम लोग लड़े, उन इशुओं पर हम लोग बात किए, तभी जाकर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। नहीं तो उन पार्टियों से चुनाव लड़ना जो पार्टियां 40 साल पुरानी है, जो पार्टियां 50 साल पुरानी है, आज जिनका बूथ स्तर में कार्यकर्ता है, जिनके पास धन बल है, उनसे टकरा पाना पॉसिबल नहीं था। तो मेरे कहने का मतलब लकीली यंग लोग हैं और तो आप क्या कोशिश कर रहे हैं आपके मंच में कि शायद एक नई शुरुआत है तो कैसे सही शुरुआत इंक्लूसिव शुरुआत। कॉन्फ्रेंस के कार्यक्रम में उपस्थित तमाम सम्मानित अतिथियों को मेरी ओर से जय हिंद जोहार झारखंड। हमारी पार्टी थोड़ा सा हम परिचय दे देना चाहेंगे उसके बाद काफी कम समय जो मिला इस पर अपनी बात को रखेंगे। एक्चुअली हम लोग एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट के माध्यम से राजनीति में आए, कोई आइडिया नहीं था कि पॉलिटिक्स कैसा होता है और खासकर कभी मुखिया का चुनाव नहीं लड़े तो बंदे अगर सांसद का चुनाव लड़ेंगे तो ये तो आइडिया ही नहीं था। तो हमने एक स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था झारखंड में, वहां आए मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा, मीडिया में कवरेज मिला तो पूरे राज्य में हमारे विचारों को सर्कुलेट किया गया। उसके बाद से हर एक पंचायत वाइज प्रखंड वाइज सभाएं होने लगी और लोग हमारा डिमांड करने लगे, हमें सुनने लगे और कभी कभी 2 बजे रात तक 4 बजे रात तक लोग सुनने लगे। तो फाइनली लगभग 1 साल पहले 18 जून को हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों ने उसके बाद 6 महीने बाद अपने पार्टी को रजिस्टर के लिए आवेदन दिया लेकिन अभी तक हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ और बकायदा हम लोग 1 साल के कम समय में चुनाव लड़े और बहुत दमदार तरीके से चुनाव लड़े और झारखंड के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 27% मतलब वोट लेके आया है। 3.5 लाख वोट लेके हम अकेले हैं जिस लोकसभा चुनाव से हम लड़े थे और कुल मिलाकर हम लोग 8 प्रत्याशी दिए थे और लगभग हमारे 6 प्रत्याशी तीसरे पायदान पर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मैं भारत की तो नहीं कह सकता लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कह सकता हूं कि झारखंड बदलाव चाहती है और नो डाउट बदलाव होना चाहिए क्योंकि झारखंड जिस पृष्ठभूमि से आती है झारखंड उसके नाम में ही छुपा है। झाड़ यानी जंगल होता है, खंड यानी जमीन होता है और आज हमारा दोनों चीज संकट में है। जब जंगल की बात करने वाला कोई नहीं है, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं आज हसदेव जंगल की क्या कहानी है। आज दिल्ली का टेम्परेचर हम लोग 45 पा रहे हैं 46 पा रहे हैं, बिल्कुल अपने मतलब अपोजिट पा रहे हैं झारखंड का वातावरण से। जब दिल्ली में हम लोग कदम रखे तो बिल्कुल असहनीय लगा और हम लोग को लगा भी नहीं कि 2 मिनट यहाँ ठहर पाएंगे। तो कह रहे कि जो झारखंड का इशू है उसके नाम में छुपा है और लगातार उन इशुओं पर हम लोग लड़े, उन इशुओं पर हम लोग बात किए, तभी जाकर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। नहीं तो उन पार्टियों से चुनाव लड़ना जो पार्टियां 40 साल पुरानी है, जो पार्टियां 50 साल पुरानी है, आज जिनका बूथ स्तर में कार्यकर्ता है, जिनके पास धन बल है, उनसे टकरा पाना पॉसिबल नहीं था। तो मेरे कहने का मतलब आज भी अगर आप, चूंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कई साल लगते हैं राजनीति में आने के लिए, सालों लगते हैं, जूते घिस जाते हैं, मैंने बाल सफेद हो जाते हैं, इस मिथक को तो झारखंड हमने तोड़ दिया है कि मात्र साल भर के अंतराल में हम लोग 3.5 लाख वोट लेकर आए हैं और बस अगर हमारे पास एक बेहतर टीम होती तो पहला ही चुनाव हम जीत जाते, ज्यादा अंतर नहीं था। जो जीते वो 4.5 लाख लाए, जो सेकंड में 3.70 लाख लाए इंडिया गठबंधन वाले, और हमसे मात्र 20,000 कम मेरा वोट था। तो इस चीज को तो हमने झारखंड में मतलब एकदम क्लियर कट उत्तर दे दिया है कि समय और साल मायने नहीं रखता है, आपकी आइडियोलॉजी मायने रखती है और हमारी आइडियोलॉजी स्पष्ट थी। हमने स्पष्ट कहा था चुनाव में कि आप जितने भी लीडर्स हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो चीज आती है वो इकोनॉमी की आती है। आज हम यहाँ बैठे हैं, चाहे जिनका जो भी डिपार्टमेंट है, हम लोग कोई साधु संत सन्यासी है नहीं, पीर फकीर है नहीं, हम एक सामाजिक जीवन को जीने वाले हैं, गृहस्थ जीवन को जीने वाले लोग हैं, यानी हमारा सबसे जो महत्वपूर्ण विषय होगा इकोनॉमी होगा, हमारी संपत्ति होगी। तो मैंने वही जनता से कहा कि जिन नेताओं को आप चुनकर भेजते हैं आप उनकी संपत्ति के बारे में पता करें। आज किसी का दिल्ली में, किसी का रांची में, किसी का विदेशों के कंपनियों से टाइप है। आपकी बात बताई भी है, इतना यूथ भी है तो
उसके बारे में आपको क्या लगता है? मेरी भी आशा है कि आप जैसे और लोग चुनाव जीते, हमें जरूरत है, इस बार सिर्फ 7 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, हमें चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के लिए और आए, क्योंकि आप मुद्दे उठा रहे हैं जो रेलेवेंट मुद्दे हैं। पर ये मुद्दे क्या सिर्फ मर्दों के हैं? नहीं बिल्कुल, सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं होती हैं, क्योंकि मैं जैसे झारखंड से आता हूं, अगर वहां बात की जाए तो वहां हमारी विधायक मैम भी बैठी हैं आपके बगल में, और उनका जो क्षेत्र है वो विस्थापित क्षेत्र है, खनन का क्षेत्र है, माइंस का क्षेत्र है। जब विस्थापन का बात सामने आता है तो जब लोग विस्थापित होते हैं तो ऑब्वियसली महिलाओं को भी बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। मान के चलिए जिस क्षेत्र से विधायक जी आते हैं उस क्षेत्र का परिचय देता हूँ, वहाँ 4 प्रकार की फसलें आती है, धान गेहूं। तो महिलाएं जब अगर विस्थापित ना होती है, झारखंड अगर बात करें तो आपको विस्थापन की बात करनी होगी, आपको माइंस की बात करनी होगी। जो लोग यहाँ बैठे हैं और इसलिए आप झारखंड को जानते हैं मिनरल्स के लिए, और नो डाउट हम लोग देते हैं 27% कोयला देते हैं और 40% खरीद देते हैं। तो अगर हम विस्थापन जब ना होता है तो उस समय महिलाओं की भागीदारी होती है, खेती के माध्यम से हो, साग सब्जी के माध्यम से हो, यानी महिलाओं की परस्पर भागीदारी होती है। अगर पुरुष खेत को जोतने का काम करते हैं तो महिलाएं वहां धान उगाने का काम करती, उसको रोपने का काम करती है, और फिर महिलाएं जब धान को काटती है तो पुरुष को खेत कर लेकर आते हैं, यानी 50-50% होता है। जब खेत हमारे पास होते हैं तो हमारे पास जो महिलाओं की भागीदारी होती है 50% होती है, लेकिन जब उस क्षेत्र से हम विस्थापित कर जाते हैं, वो क्षेत्र जब गवर्नमेंट किसी परियोजना के लिए ले लेती है तो महिलाएं शून्य हो जाती है, उनके हाथ कट जाते हैं। तो लाइक दैट जब हम लोग न्यू झारखंड की बात करेंगे तो महिलाएं ऑब्वियसली बहुत भारी संख्या में होंगी, और इस चुनाव में हमारे पास जो मेरा वोट बैंक रहा 3.5 लाख, उसमें अगर रेशियो भी देखा जाए तो 60% यूथ थे, बाकी 40% महिलाएं थी। तो कहीं ना कहीं उसमें उस दिशा में हम लोग अच्छा काम किए हैं और महिलाओं को अच्छा कनेक्ट भी किए हैं, क्योंकि महिलाओं ने भी इस समस्याओं को देखा। आज अकॉर्डिंग टू कोरोना के टाइम का जो हमारे पास रिपोर्ट था उसमें 12 लाख झारखंड के प्रवासी मजदूर मिले, और उन प्रवासी मजदूर की जो पीड़ा है महिलाओं ने भी घर बैठकर देखा कि दिवाली है, होली है या ईद है, उनके बेटे उन्हें परदेशों से बधाई भेजते हैं, उनके बेटे उनको विदेशों से बैठ के बधाई भेजते हैं। तो कहने के हमने उनको कनेक्ट किया, उन मुद्दों से महिलाओं को भी हमने कनेक्ट किया, इसीलिए महिलाएं भी खुलकर आई और हमारे पक्ष में मतदान की। और हम आशा करते हैं, चूंकि हम लोग बार बार कहें हम लोग एक लर्नर है, और आज इस कॉन्फ्रेंस हॉल में हम लोग भी कुछ सीखने के लिए आए। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे गिरिडीह लोकसभा में 2261 बूथ है, हमको लगता है कि 1200 से 1300 बूथ में हमारा बूथ एजेंट बैठा था, 1000 बूथ में हमारा एजेंट नहीं बैठा था, और फिर भी हम लोग वोट गेन करके आए। तो हम लोग ऑब्वियसली लर्नर पीरियड में है, और चीजों को जब हम लोग सीखेंगे, और जब इस प्रकार दिल्ली में बैठकर, महाराष्ट्र में बैठकर, अन्य प्रदेशों के जाके कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे, सेमिनारों में, संगठनों में हम लोग भाग लेंगे, और उन चीजों को जब हम लोग सीख कर जाएंगे, कुछ परिपक्व होकर जाएंगे, तो अपने झारखंड में निसंदेह उसका इम्प्लीमेंट करेंगे और बेहतर करेंगे। हम आशा है कि आज जो प्रबुद्ध लोगों के बीच हम बैठे हैं, जब इनसे हम कुछ सीख कर जाएंगे तो आने वाले झारखंड में विधानसभा चुनाव नवंबर में हम लोग बेहतर करेंगे। और अखबार की सुर्खियों ने भी संदेश दिया है, हम लोग बेसिक चुनाव हारे हैं, लेकिन आज 4 दिन से लगातार अखबार की सुर्खियों में यही रहा कि जयराम महतो हार के भी झारखंड के राजनीति के नायक बने, और बकायदा नेशनल न्यूज में भी हमें स्थान मिला, द हिंदू में स्थान मिला, द ललित टॉप भी गए हमारे इंटरव्यू के लिए, और यही नहीं बाकी जो नेशनल पार्टियां हैं जिनका सिंबल है वो भी अब हम लोग से टाइप करने के लिए इंटरेस्ट जता रहे हैं। लेकिन हमने स्पष्ट कह दिया है कि आपकी आइडियोलॉजी हमसे मैच नहीं खाते, हम लोग न्यू पॉलिटिक्स करेंगे, क्योंकि आज हम लोग सिद्धांतिक पॉलिटिक्स की बात करने आए हैं, तो सिद्धांत से कोई समझौता नहीं होगा। 2 चुनाव और हारेंगे 4 चुनाव और हारेंगे नहीं जीतेंगे, हमारी जो नई पीढ़ी आएगी वहां से शुरुआत करेगी जहां से हम लोग छोड़ के जाएंगे, लेकिन सिद्धांत से कोई समझौता। थैंक यू चुनाव आपकी पार्टी में, आपके मंच में महिलाओं को, और अगर उसमें हम कोई भी मदद कर सकते हैं, मुझे पता है हर कोई मदद करना चाहेगा, क्योंकि कभी भी कुछ नया शुरू होता है तो आशा का भी जन्म होता है। सो वी वुड लव टू हेल्प इन एनी वे पॉसिबल। विद दैट आई एम गोइंग टू एक्चुअली गो टू सुयश। तो मेरे कहने का मतलब है, आज भी अगर आप, चूंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कई साल लगते हैं राजनीति में आने के लिए, सालों लगते हैं, जूते घिस जाते हैं, माने बाल सफेद हो जाते हैं, इस मिथक को तो झारखंड हमने तोड़ दिया है कि मात्र साल भर के अंतराल में हम लोग 3.5 लाख वोट लेकर आए हैं, और बस अगर हमारे पास एक बेहतर टीम होती तो पहला ही चुनाव हम जीत जाते, ज्यादा अंतर नहीं था। जो जीते वो 4.5 लाख लाए, जो सेकंड में 3.7 लाख लाए इंडिया गठबंधन वाले, और हमसे मात्र 20,000 कम मेरा वोट था। तो इस चीज को तो हमने झारखंड में मतलब एकदम क्लियर कट उत्तर दे दिया है कि समय और साल मायने नहीं रखता है, आपकी आइडियोलॉजी मायने रखती है, और हमारी आइडियोलॉजी स्पष्ट थी। हमने स्पष्ट कहा था चुनाव में कि आप जितने भी लीडर्स हैं,
क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो चीज आती है वो इकोनॉमी की आती है। आज हम यहाँ बैठे हैं, चाहे जिनका जो भी डिपार्टमेंट है, हम लोग कोई साधु संत सन्यासी है नहीं, पीर फकीर है नहीं, हम एक सामाजिक जीवन को जीने वाले हैं, गृहस्थ जीवन को जीने वाले लोग हैं। यानी हमारा सबसे जो महत्वपूर्ण विषय होगा इकोनॉमी होगा, हमारी संपत्ति होगी। तो मैंने वही जनता से कहा कि जिन नेताओं को आप चुनकर भेजते हैं, आप उनके संपत्ति के बारे में पता करें। आज किसी का दिल्ली में, किसी का रांची में, किसी का विदेशों के कंपनियों से टाइप है। एक आपकी बात बताई भी है, इतना यूज भी है, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है? मेरी भी आशा है कि आप जैसे और लोग चुनाव जीते, हमें जरूरत है इस बार, सिर्फ 7 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, हमें चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के लिए और आए, क्योंकि आप मुद्दे उठा रहे हैं जो रेलेवेंट मुद्दे हैं। पर ये मुद्दे क्या सिर्फ मर्दों के हैं नहीं, बिल्कुल या मर्दों के लिए उठा रहे हैं? सबसे ज्यादा